गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर एक्सरसाइज 4.5. इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 4.4. एक्सरसाइज 4.5 इज द लास्ट एक्सरसाइज इन चैप्टर 4. इन दिस एक्सरसाइज वी हैव 5 क्वेश्चंस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन 3, 4 and 5. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, without any calculation you have to write is it a terminating decimal or non-terminating decimals. What is terminating decimal and what is non-terminating decimals? In our book there is a definition of terminating decimals and non-terminating decimals. Terminating decimals is what that their denominator, first of all, the given number, given rational number should be in the lowest form. Lowest form means जिस से वो divide हो रहा हो, जिस से वो cancel हो रहा हो, उसको आप cancel करो. After that, the denominator या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर 2 का factor होना चाहिए या 5 का factor होना चाहिए या दोनों का factor होना चाहिए. I repeat, if ए रैशनल नंबर इन द लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म मतलब जहां उसके आगे कैंसिल नहीं हो रहा हो, इन द लोवेस्ट फॉर्म इज इट्स डिनोमिनेटर शुड बी फैक्टर ऑफ 2 और फैक्टर ऑफ 5 और फैक्टर ऑफ बोथ. ओके, तब तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग. और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. अब ये लैंग्वेज आप जब पढ़ते हो तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट वेन एवर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, 1/12, इज इट इन द लोवेस्ट फॉर्म? यस इट इज, बिकॉज ये किसी भी वैल्यू से कैंसिल नहीं हो रहे हैं. तो 12 आया अपने पास, 12 फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 6, ये इसके फैक्टर्स हैं. क्या ये सिर्फ 2 का फैक्टर है? नो, क्योंकि ये 3 का भी फैक्टर है, 6 का भी फैक्टर है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. पहले आपको चेक करना है कि क्या वो लोवेस्ट फॉर्म में है, और अगर वो लोवेस्ट फॉर्म में है तो आपको चेक करना है कि उसके फैक्टर्स क्या क्या है. अगर उसका फैक्टर सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या फिर सिर्फ 2 और 5 ही हैं, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग. यहां देखिए, -5/10, इज इट इन द लोवेस्ट फॉर्म? नो इट इज नॉट. ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं. वी कैन राइट -1/2. जब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा -1/2. अब देखो नीचे सिर्फ 2 है, तो 2 तो 2 का ही फैक्टर है, तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग. या तो नीचे 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 का फैक्टर हो, ठीक है, या फिर सिर्फ 2 का फैक्टर हो, ये ध्यान रखना है. अब इसको क्लियर करते जाएंगे हम. 18/30, दोनों ही 6 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं. 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट? नीचे सिर्फ 5 है और 5 तो 5 का फैक्टर है ही, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग. ये दोनों क्या, दोनों कैंसिल होने हो सकते हैं. -33/20, ये दोनों ही मतलब उसमें है कि कैंसिल नहीं हो सकते आगे. नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 20, ये 2 का भी फैक्टर है, 1, 2, 4, 5 and 20. ओके, तो ये 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है, तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग. 26/25 किसका फैक्टर है, इसके फैक्टर है 1, 5 और 25, इतने ही है. इसमें सिर्फ ये 5 का फैक्टर आ रहा है, तो ये किसका हो गया, टर्मिनेटिंग. 27/45,
दोनों ही देखो ना, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों ही कैसे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना इनका 2 फैक्टर है ना ही 5 फैक्टर है। इसमें 5 फैक्टर है बट इसका फैक्टर 9 भी है। ओके 71 अपॉन 75, 75 के फैक्टर हैं 1, 3 फैक्टर नहीं है इसका, 5, 25 एंड 75, 25 भी इसका फैक्टर आ रहा है, तो ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके सो ये तो था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू राइट इन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आपको डायरेक्टली डिवाइड करना है न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को डिवाइड किया मैंने 11 से, 2 में डिवाइड नहीं हो रहा था तो मैंने क्या पुट किया पॉइंट, हमारे पास क्या आ गया 0। वन टाइम डिवाइड हुआ 11, माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, फिर वापस 0 लिया, 8 टाइम्स डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 2, वापस से 0, 1, वापस 9 रिपीट, माइनस करेंगे 2, 11, 9, देखिए 20, 90, 20, 90, 20, 90, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 9 और 2 ही आ रहा है और वापस से वही रिपीट हो रहा है 1, 8, 1, 8, 1, 8। और देखो डैश 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 का मतलब है कि ये सेम डिवाइड ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपको वैल्यूज़ को क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है उसको अंदर रखिए, डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है और पॉइंट में आपको आंसर निकालना है। वो अपने आप ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास जिनका आंसर डेसिमल में आएगा पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है, जब आपका रिमाइंडर बचता जा रहा है तो आप डैश 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 यूज़ करोगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो आप उसको डैश 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 यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अपॉन 8, मतलब 11 में 8 से डिवाइड करना है, तो 11 कहाँ रहेगा डिवाइड के अंदर, 8 कहाँ रहेगा बाहर। फर्स्ट टाइम सॉरी वन से वन टाइम क्या 11 माइनस 8 3 0, पॉइंट लगाते हैं हमें 0, जब भी हम पॉइंट लगाएंगे हमेशा हमें क्या मिलेगा 0। 3 टाइम्स डिवाइड हुआ 24, रिमाइंडर बच गया 6, वापस से 0, जब तक जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 60 में डिवाइड हुआ 7 टाइम्स 8, 7, 56, रिमाइंडर 4, वापस से हमने 0 पुट किया एंड 5 टाइम चला गया तो 0, 40 माइनस 40 0। डिवाइड को आप अच्छे से देख लेना, सिंपल डिवाइड किया है, बस आपको पॉइंट लगा देना है जहां भी आपकी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही हो, उससे आपको क्या मिलेगा एक 0 मिलेगा। अब देखो ये लास्ट में रिमाइंडर क्रॉस आ गया 0 आ गया तो 1.375, ये कैसा हो गया, इसके आगे डैश 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 नहीं आएगा लेकिन इसके आगे डैश डैश डैश, क्योंकि ये देखो रिमाइंडर चलता जा रहा है, डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्वेश्चन सेकंड के काफ़ी सारे पार्ट्स रिमेनिंग है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।